के मुस्लिम देशों के नागरिकों की एंट्री पर प्रतिबंध के फैसले की पूरी दुनिया में चौतरफा आलोचना हो रही है, तो वहीं अमेरिका की एक अदालत ने इस फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप के इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा है और अमेरिका में लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे हैं। जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा वॉशिंगटन डीसी में भी एयरपोर्ट के बाहर हजारों प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे हैं, जिसको देखते हुए ट्रंप प्रशासन के आदेश पर वहां की एक अदालत ने आंशिक रोक लगा दी है। दरअसल ट्रंप ने जैसे ही 7 मुस्लिम देशों पर बैन लगाने के आदेश पर दस्तखत किए, वैसे ही अमेरिकी एयरपोर्ट पर प्रतिबंधित देशों से आने वाले लोगों को हिरासत में लिया जाने लगा, जिसके बाद लोगों के भारी विरोध को देखते हुए अमेरिकी अदालत के फेडरल जज ने राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर आंशिक रोक लगाते हुए आदेश दिया कि अमेरिका के एयरपोर्ट पर फंसे शरणार्थियों और दूसरे लोगों को स्वदेश न भेजा जाए। हालांकि जज ने ट्रंप के आदेश की संवैधानिकता पर कोई फैसला जारी नहीं किया है। इतना ही नहीं, गूगल के भारतीय मूल के CEO सुंदर पिचाई और फेसबुक के CEO मार्क जुगरबर्ग ने भी ट्रंप सरकार के फैसले की जमकर आलोचना की है। पिचाई ने इसे दुखद निर्णय बताते हुए कहा कि इससे गूगल के कम से कम 187 कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के इस फैसले को अपमानजनक बताया है और साथ ही जवाब में अमेरिकी नागरिकों के ईरान में प्रवेश पर बैन लगाने का फैसला किया है। ईरान ही नहीं, अमेरिका के करीबी सहयोगी यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप सरकार के इस फैसले की निंदा की है। वहीं कनाडा के शरणार्थियों को आश्रय देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों से आने वाले नागरिकों के लिए कड़े नियम वाले एक नए कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों पर 4 महीने के लिए वीजा पाबंदियां लगा दी गई हैं। हालांकि इस फैसले के पीछे ट्रंप प्रशासन ने कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों से अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा का हवाला दिया है। देखते रहिए DB Live।